पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी भीम राजभर जी, कैलाश निषाद जी, सिंह चौहान जी, अखंड सेना के श्री अजय कश्यप जी, आज के इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी के प्रदान करने एनटीवी निष्पक्ष सत्यता की कसौटी। आज कई दलों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय किया है। विलय करने के बाद एक ऐसे नेता हमारे साथ है जिनको प्रदीप निषाद उस हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से जाना जाता है। सर, आज आपने कई पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय किया। विलय ने समर्थन किया है, हमने भारतीय जनता पार्टी को 10 दलों का समर्थन कराया है। पिछले विधानसभा में 25 दलों का समर्थन कराया था। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और होगा, 15 दल और समर्थन करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। सर, ये आपका नाम हेलीकॉप्टर बाबा पड़ गया, ऐसा क्या हुआ जो आप हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से जाने जाने लगे? प्रदीप निषाद जो हैं ये हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। मैं एक गरीब परिवार से में पैदा लिया, मछली मारता था। रात भर मछली मारने पर 70 रुपया कमाई होता था। और हम लोगों ने अपनी जब पार्टी बनाई सामाजिक न्याय पार्टी, उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ और 2022 के चुनाव में हम लोगों ने सोचा कि अपने पार्टी को किस तरीके से प्रोजेक्ट करना है, तो हम लोगों ने अपना हेलीकॉप्टर हायर किया। एक दिन में दो दो प्रोग्राम रहता था तो हेलीकॉप्टर से जाना संभव होता था, तो हमने इसलिए हेलीकॉप्टर रखा। अब हेलीकॉप्टर से 17 रैली की, लोगों ने कहा कि एक गरीब का बच्चा जिसके पास मोटरसाइकिल साइकिल खरीदने का औकात नहीं, आज हेलीकॉप्टर चल रहा है, इसलिए मेरा नाम हेलीकॉप्टर बाबा लोगों ने रख दिया। उसे तो मेरा नाम प्रदीप निषाद है, लेकिन 2.5 साल से मैं विधानसभा चुनाव से ही हेलीकॉप्टर बाबा बन गया। 22 में भी आपने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था और 2024 में आप समर्थन दे रहे, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बार 80-80 सीटें ला रही है? भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव जीत रही है, 80-80 से जीत रही है। ये निषाद समाज, हमारा पूरा समाज इनको समर्थन कर रहा है। और छोटे छोटे दल जैसे कश्यप हो गए, हमारे नुनिया समाज के लोग हो गए, चौहान समाज के लोग हो गए, प्रजापति समाज के लोग हो गए, ऐसे कई दलों का हमने आज समर्थन कराया है। इनके भी सभी लोग मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे और चुनाव को 80-80 जिताएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन लगातार कह रहा है कि हम पीडीए चला रहे हैं, पीडीए में पिछड़ा दलीय अल्पसंख्यक सब आते हैं और लगातार जितने पिछड़े शोषित वंचित लोग हैं वो हमारे साथ हैं और इस बार जनता हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। उनका दावा स्वाभाविक है, वो अपना दावा कर सकते हैं भाई, दावा तो सब करता है, 100 में 100 होता नहीं है। उनका भी दावा है और पार्टी ही अपना दावा करेंगी, उनके बारे में बहुत नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी का हमने समर्थन किया है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा और सीट भी 80-80 उत्तर प्रदेश में आएंगे। पहले चरण का चुनाव था, 8 सीटों पर चुनाव, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें ला रही? मैं हर सीटों पर गया था प्रचार में, मैं माननीय स्वतंत्र सिंह जी के साथ गया था, पूरी अच्छी तरीके से 8 सीट जीत रहे। ये थे हेलीकॉप्टर बाबा जिन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि हमारा पूर्ण रूप से समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है और भी दलों को हम समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिलाएंगे। कि आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता और निवर्तमान पार्टी अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, सरकार में वरिष्ठ मंत्री माननीय JPS राठौर जी, हमारे मीडिया के प्रभारी श्रीमान मनीष दीक्षित जी, हमारे प्रदेश महामंत्री माननीय राम प्रताप जी, प्रदेश मंत्री माननीय शिव भूषण जी, सभी लोग आज यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। एक एक करके मैं सभी पार्टियों का, एक एक करके जो उनके प्रमुख हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहाँ आए हैं, मैं नाम बोलूँगा और आप लोग जो है मंच पर आएंगे, माननीय स्वतंत्र जी और माननीय JPS जी आपको पार्टी का पटका पहना के स्वागत करेंगे। दलित शोषित पिछड़ा वर्ग अधिकार दल के श्रीमान बलवीर प्रजापति जी आइए। इस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा प्रणाम और आप सबका अभिनंदन करते हैं। छोटे दल हैं लेकिन इसमें एक आध दल ऐसे भी थे जो लोकसभा चुनाव में अपना स्वयं हेलीकॉप्टर बुक किए थे,
और हेलीकॉप्टर बुक करके स्वयं दौड़ा कर रहे थे। वो लगभग 15-20 मीटिंग किए थे और दो सभाओं में हमें जाना पड़ा। वो अपने हेलीकॉप्टर से ही लेकर गए थे। ये प्रदीप बाबा हेलीकॉप्टर के ही नाम से जाने जाते हैं। और वह क्या नाम था राष्ट्रीय डॉक्टर लेखराज जी, वो आज नहीं पाए, वो बाद में करेंगे। और ये छोटे दलों का भी 2022 में बहुत सहयोग रहा। इसमें सभी दल ऐसे हैं जो चौहान साहब लोगों का, काशी में भी मैं देखा बड़ी बड़ी मीटिंग, 1,000-2,000 लोगों का चौपाल करते हैं, मीटिंग करते हैं सब, और अपने दम पर भी करते हैं, साल भर अपना कार्यक्रम चलाते रहते हैं सामाजिक। ये ऐसे दल हैं, ये आज ये सभी छोटे दलों ने यानी सहयोगी के रूप में आदरणीय मोदी जी का जो परिवार है आप सबके आने से बढ़ा है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की नीतियों से आप प्रभावित होकर पुनः फिर देश में सरकार बनाने के लिए सहयोग से हम सब उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें जीतकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और गरीबों की सेवा करेंगे। जो सपना है कि गरीबों को पक्का मकान, आवास, अच्छी सड़कें, कानून का राज, दुनिया में देश का नाम, जो हमारा सपना है गरीब कल्याण योजना के माध्यम से, ये सभी को इस कारण छोटे दल आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नीतियों से प्रभावित होकर हमसे जुड़े हैं। आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ। क्या कहता है, क्या कर रहा है तो आप अच्छी तरह जानते हैं। जनता जनार्दन ने उनको नकार दिया, कभी कभी उनको स्वीकार ही नहीं किया। देश में कभी चुनाव हुआ या राज्य के अंदर चुनाव हुआ तो सपा को निपटाने के लिए बसपा को लौट देते थे, बसपा को निपटाने के लिए सपा को वोटिंग करते थे। 17 के बाद यानी 17 के पहले की स्थिति राज्य में देखें, 14 के पहले का स्थिति लोगों ने देश ने देखा है। बम फटते थे चारों तरफ, बम फटते थे, कोई सुरक्षित नहीं था। न श्रीनगर में मुस्लिम हिंदू कोई नहीं सुरक्षित था। आज श्रीनगर में मुस्लिम भी चैन से सांस ले रहा है और रोजगार बढ़ रहा है और भारत माता की जय वंदे मातरम हो रहा है और मुस्लिम बेटियां डॉक्टर इंजीनियर बन रही हैं। इसलिए समाज के सभी वर्ग इस बार में बड़े पैमाने पर मोदी सरकार के लिए वोटिंग कर रहा है और मोदी जी को हाथ, आदरणीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए वोटिंग कर रहा है। एक तरफा वोटिंग है। आज सभी की सभी सीटें जिस पर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। और जल शक्ति मंत्री माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, आदरणीय प्रदेश महामंत्री संजय राय जी और सभी लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। जो छोटे छोटे दल हैं ये सतसैया के दोहरे की तरह हैं, जो देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, इनका असर बहुत बड़ा होता है। क्योंकि वोट में पूरी लड़ाई मार्जिन के लिए होती है और इन छोटे छोटे दलों के सहयोग से हम उस मार्जिन को और बढ़ाएंगे। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी का साथ। और इस इन सब लोगों ने हमको पूर्व के चुनाव में भी, चाहे 2017 का चुनाव हो, 19 का हो, 22 का हो, इन सभी चुनावों में भी इन लोगों ने हमको पूरा सहयोग समर्थन दिया है। आज हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जो आज हमारे साथ यहाँ पर फिर से सहयोग देने के लिए आए हैं। धन्यवाद। ये सभी दलों का संजय भाई कोऑर्डिनेटर, कैमरा पर्सन नीरज के साथ एनडीटीवी इंस्पेक्टर समीर खान, लखनऊ। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।